हेलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हमारे पास ये 4s² - 4s + 1, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 4s² - 4s + 1 = 0 लिखेंगे। सुनने के अर्थ में ऐसे बराबर 0 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं संख्या हमारे 4s² है और यहाँ पे 4s + 1 है। क्या बताया पहला नियम कि शुरू का और लास्ट का जो अंक उसे इंटू कर देंगे, 4 × 1 = 4 आएंगे। अब यहाँ पे देखें कौन सा संख्या इसको गुणा करने पर 4 होना चाहिए, परंतु जोड़ने के कारण भी 4 होना चाहिए। समझा लीजिए, 4 को 1 से मुझे 4 आएगा, परंतु 4 को हम 1 से माइनस करें तो 3 आ जाएगा, इसलिए सही नहीं है। और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा सही नहीं हुआ, तो क्या और कोई संख्या देखें इसमें हमारा 4 आ रहा है, 4 आ रहा, 2 × 4 आता है, ये भी हम जानते हैं। 2 × 2 = 4 मैच कर जाएगा और 2 × 2 = 4 आता है। ये संख्या हमारा क्या 2 है, लिखेंगे 4s² - अब ये ध्यान देंगे डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या लाना है -4s, तो -2s और -2s मिल क्या होता है 4s होता है, 2 × 2 = 4, दोनों माइनस साइन देंगे तो ये माइनस रह जाएगा। ये हमें क्लियर हो गया। पहला वीडियो थोड़ा डिटेल समझाएंगे, इसमें थोड़ा शॉर्ट मार दिए क्योंकि आपको यहाँ पे आसान से समझ में आ जा रहा है। -2s और -2s 4s होता है, +1 = 0, ये हो गया। अब सेम इसमें कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या है यहाँ पे 2s, इसमें क्या 4s, 4s तो हम 2s × 2 लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। क्या 4s² है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2s² × 2, या फिर इसको और सब दिखाते हैं 4s² = हम लिख सकते हैं 2s × 2s, ठीक है। तो क्या 2 × 4 और s × s² ये हो गया। यानी 4s² का मतलब हो गया क्या हमारे पास 2s × 2s, यहाँ पर 2s है, उसमें भी क्या है 2s × 2s, तो यहाँ पर 2s एक हम कॉमन निकालेंगे, यानी 4s² में से 2s को बाहर निकाल लिया, क्या बस गया 2s, तो हम लिखते हैं 2s माइनस माइनस 2s कॉमन निकल गया तो बस गया 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आता है क्या करते हैं उसी को सेम बता देते हैं 2s - 1, इसको सेम यहाँ पर बता देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है +1 है, अलग हो गया, सेम क्या करना माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और 2s सेम करना -2s -1 + 1, ठीक है। यहाँ पे कौन संख्या 1 है, कोई संख्या नहीं है, 1 है, दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, कोई भी संख्या नहीं है, 1 है दोनों में से 1 ले लिए, तो 1 को गुणा करेंगे -1 × 2s तो -2s आया और -1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा +0 2s - 1। इसके लिए ये दोनों के लिए ये और ये के लिए ये आ गया और ब्रैकेट बाहर में 2s, यहाँ पे -1 ये -0। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम चीज, ठीक है, दोनों की चीज 2s - 1, इसमें 2s - 1, ये देखेंगे इसलिए 2s - 1 = 0, इसलिए s = अभी हम ध्यान देंगे s = क्या रखेंगे -1 दे जाएगा तो +1 और 2s × 2 में दे जाएगा तो बटन है, ठीक है। ये 2s क्या गुना में है, इसलिए 2 जब उधर गया तो क्या बटन चल जाएगा, मतलब यहाँ पर -1 था इसलिए पहले इसको भेजेंगे +1 में आ गया और इसी जगह बटन है, तो s = 1/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।